न्यूट्री इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। इसके लिए मैंने ली है गाजर कद्दूकस कर ली है, शिमला मिर्च बारीक बारीक काट ली है, और है पनीर, थोड़े हैं प्याज। प्याज हमारा हो गया है, मिर्च, हल्दी और मसाले हमें ऐड कर देने हैं इसमें। नमक में ना जीरा मिक्स हो गया, आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी, टमाटर विदाउट टमाटर बना दूँगी मैं। ये देखिए गाजर हमने ऐड कर दिए इसमें, गाजर थोड़े पक जाएंगे फिर हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। थोड़ी गाजर पक गई है तो शिमला मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो सारा पानी निचोड़ लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी इसमें रख दिया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अब हमें पनीर भी डाल देना है, प्याज भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स अभी ना हल्का फुल्का ही बना रही हूँ, क्या अभी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा मेरे से, अभी गिरने वाला था। देखिए हाथ से सामान छूट छूट जाता है, छूट छूट जाता है, आपको पता घर पे एक हाउस वाइफ अगर भी मार पड़ जाती है तो घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, कोई नहीं पूछता बच्चों को। अब हम डाल देंगे इसमें न्यूट्री चंक। देखिए बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, न्यूट्री का चूरा, न्यूट्री चंक का। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसमें पनीर भी है, सब्जियां भी है, और न्यूट्री का चूरा तो है ही है, सब कुछ हेल्दी है। अगर हम ऐसे बच्चों को बना कर खिलाएंगे ना, बच्चे बहुत चाव से खाएंगे, बच्चों को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, सब्जियों के, पनीर का, और सोया इसका तो मिलेगा ही, सोया का। मैं बताऊँ मैं कौन सा लेके आई थी, मैं लेके आई थी ये वाला। इसके हम ये स्नैक्स भी बना सकते हैं, जैसे ये है ना कबाब, जैसे मैंने बनाए हैं पहले। इसकी ग्रेवी वाली सब्जी भी बन जाती है, खीर भी बन जाती है, इसके मोमोज भी बन जाते हैं। मोमोज मैंने चलो नहीं ट्राई किए, ना ही मैंने खीर कभी ट्राई की है, यही वाली सब्जी मैंने ग्रेवी वाली ज़रूर बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है वो भी। और कबाब तो मैंने बनाए ही बनाए हैं बच्चों के लिए कई बार, एक दो बार तो मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं, मेरी पुरानी वीडियो देखना आप जा कर के, मैंने वहाँ पर बनाए हैं। पहले मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, क्या वीडियो बनाना है, फिर मैंने बोला चलो इसमें लगता ही क्या है, एक तो ट्राईपोर्ट भी टूट गया है मेरा, पंगा तो ये है। वैसे मैं ट्राईपोर्ट का यूज़ कम ही करती थी। अब हमें डाल देना है चाट मसाला। देखिए चाट मसाले से ना थोड़ा चटपसा सा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने टमाटर ऐड नहीं किए हैं, तो इससे चटपटा सा टेस्ट आएगा। अगर हमने इसके मोमोज भी बनाने हैं ना, तो इसी तरह सब्जी जैसे बना लेनी है, जैसे मैंने बनाई है, तो मोमोज में फिल कर देनी है। मैंने नहीं खाए थे, मैंने किसी के घर में खाए थे, अपने खुद नहीं मैंने कभी बनाए। देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे,
एकदम खिले खिले बने हैं। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, पराठे चपाती के साथ तो खाए ही जाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू आते हैं वो बेल आइकन के साथ मुझे ज्वाइन कर लें। लव यू, बाय बाय।